सैयद जलालुद्दीन हुसैन बुखारी अल मारूफ पीर मखदूम जहानिया जहानगढ़, हम उनके मदार पर आए हैं। वैसे अंदर जाने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, एक रिवायत ये है कि उच शरीफ में 125,000 वली दफन है, और अगर आप सुबह उनकी ज्यारतों को निकलें तो ये ज्यारतें मुकम्मल करने के लिए आपको कई दिन चाहिए। हमने सिर्फ उन दो तीन मकाबिर पर हाज़िरी दी है जिन्हें उच के सरपरस्त कहा जाता है, सरपरस्त औलिया कहा जाता है। मखदूम जहानिया जहानगश्त उनके मज़ार पर हम आए हैं। आइए आपको भी ज़ियारत कराएं और हम भी फातिहा पढ़ें। अस्सलामुअलैकुम। ये दो कब्रें हैं, एक मज़ार मुबारक है सैयद मखदूम नासिरुद्दीन बुखारी वालद हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहानगश्त, और मखदूमुल मुल्क मखदूम सैयद नासिरुद्दीन महमूद, ये उनकी जो है वो मज़ार। मोहम्मद साबिर साहब मखदूम जहानिया जहानगश्त के दरबार के खादिम हैं, हमारे साथ हैं। कुछ थोड़ा सा हमें मखदूम साहब के बारे में बताएँ। ये हज़रत जलालुद्दीन हुसैन अल मारूफ पीर मखदूम जहानिया जहानगश्त रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार का असल नाम जो है ना जलालुद्दीन हुसैन अल मारूफ पीर मखदूम जहानिया जहानगश्त रहमतुल्लाह अलैह, आप सरकार ने 36 हज पैदल किए ने, जिन्हें जो 6 हज अकबरी हैं, दो दफ़ा आप सरकार ने रूह ज़मीन की सैर की है। जहाँ पर सूरज निकलता है, जहाँ पर तलूब होता है, आप सरकार ने पूरी दुनिया में तबलीग किया है, लोगों को मुसलमान किया है। फिर आप सरकार को हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अली का कदम मुबारक, इमाम हसन की तलवार मुबारक, इमाम हुसैन का हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक हो गया, और चादर ततीर आप सरकार को तोहफे दे विच मिली। जी लैके ना मदीने शरीफ जो दिल्ली गए, तो दिल्ली जो आप सरकार ने सामने एक दीवार मुबारक है, उस दीवार के ऊपर आप सरकार सवारी करके आप सरकार और शरीफ जाए। अच्छा, वो दीवार भी हम जी हाँ, दीवार भी है, वो तब्रुकात अच्छा। भी मौजूद हैं, लेकिन वो 28 रजब को दिखाते हैं। अच्छा, इस वक्त हम क्या देख सकते हैं? इस वक्त आप हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अली के कदम की ज़ियारत कर सकते हैं। वो कर लेते हैं और हाँ, वो दीवार देख लेते हैं। हाँ, दीवार भी, जिस दीवार पर आप सरकार सवारी करके यहाँ तशरीफ लाए थे, जो चीज़ मुयस्सर है वो हमें दिखा दे, जो नहीं उसके लिए कोई ज़िद नहीं। ये सामने जो दीवार है, इसके बारे में ये रिवायत है कि अपना जहानिया जहानगश्त इस दीवार पर सवारी करके यहाँ तशरीफ लाए थे। और ये जो ऊपर एक सांप नज़र आ रहा है, कहते हैं कि सांप को बतौर लाठी इस्तेमाल किया था उन्होंने, असा जो है वो असा के तौर पर इस्तेमाल किया था ताकि दीवार को चलाया जा सके। यानी जैसे दीवार को घोड़ा हो और ये सांप को चाबुक हो और उसको चाबुक मार के चलाया जाए, आसान अल्फाज में इसका तर्जुमा ये बनता है। तो ये करामतें हैं अपना, बाकी इनकी औलाद है, ये बाकी जो है वो इनकी औलाद की कब्रें हैं, इनकी मज़ारों से बनते हैं। उस शरीफ में कहते हैं ना कि 125,000 औलिया कराम का फैज़ है। मैंने अभी बताया बाहर खड़े होकर के, ये कहते हैं कि 125,000 औलिया कराम मौजूद है, बदौलत है। हाँ, तो अगर उनकी ज़ियारत करने निकले तो उसके लिए कई साल चाहिए मेरा ख्याल है। हम तो अच्छा, ये झूला क्या है? ये औलाद के लिए आते हैं अक्सर लोग, बे औलाद जो होते हैं ना, आते हैं दौर कतर नमाज नफिल हजात पढ़ते हैं, उसके बाद या हय्यू या कय्यूम का विरद करते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला साल के अंदर अंदर उनको बचा दे देता है। अच्छा, ये तो ये नहीं, मतलब इस झूले का क्या ताल्लुक है? झूले का ताल्लुक ये है कि मन्नत देते हैं ना, अच्छा, जिसको अच्छा, बेटा अच्छा। पैदा हो वो आते हैं, झूला भी दे के जाते हैं, उसी तरह पंजाली भी दे के जाते हैं। ये झूला झूला दिखा बेटा, झूला दिखाओ। ये कहते हैं जी कि जो है वो जो बे औलाद जोड़े हैं वो यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, और फिर वो जिनके यहाँ औलाद नरीना होती है वो झूला बांधते हैं। और क्या अब आपने बताया पंजाली? हाँ, ये पंजाली होती है, जोड़ी जिसको होती है ना, जुड़वा बच्चे जिनको पैदा होते हैं उनको ये पंजाली जो है वो दी जाती है। कदम मुबारक हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, ये थोड़ी सी तारीख लिखी हुई है, ये मैं आपको बताता हूँ। हज़रत सैयद जलालुद्दीन हुसैन बुखारी आल मारूफ पीर मखदूम जहानिया जहानगश्त बुखारी ने 700 साल पहले कदम मुबारक मदीना शरीफ से अपने हमरा लाए, यानी मौला अली का कदम मुबारक उनकी बात हो रही है। आप कुतुबुल अक्ताब गौसुल अगवास हज़रत सैयद
जलालुद्दीन हैदर सुफ़ बुखारी के पोते और कुतुब आलम सरकार हजरत सैयद अहमद कबीर बुखारी के बेटे हैं। ये 700 साल पहले के आए हुए हैं। तो कुछ और चीज़ें भी जो है वो लाए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 28 रजब को उनकी ज़ियारत होती है। फ़िलहाल हम मौला अली के जो है वो जो कदम मुबारक है उसकी ज़ियारत करते हैं। और ये बाबा जी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा अली का कदम मुबारक है। ये वो कदम मुबारक है जो किला खैबर में आप सरकार ने फतह किया था। अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया था। आप सरकार का जह जलाल इतना था कि आपके जलाल से जब पत्थर पे पाँव रखा था ना, पत्थर नीचे मोम होता गया। ये एड़ी वाला हिस्सा है आप सरकार का, ये उंगली वाला हिस्सा है, ये सजी साइड मुबारक है आप सरकार की। फिर दूसरी बात यह है कि अल्लाह वाले बुजुर्गों की रिवायत आ रही है कि जिस टाइम हम जवानी में आते थे ना, हमारा बाजू जो है ना यहाँ तक जाता था। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा चप्पा जो है ना कम हो रहा है, ये खुद ब खुद ऊपर भी आता है और खुद ब खुद ये चीज़ क्लोज भी हो रही है। हर साल के बाद बाजरी के दाने के बराबर ऊपर आता है। अच्छा, ये बताइए कि ये एड़ी वाला हिस्सा है? जी, ये एड़ी वाला हिस्सा है। हाँ, और जो है वो ये उंगली वाला हिस्सा है। ये देखिए ना, इस साइड पे सजी साइड आपको नजर आएगी। ठीक है, गुलाई होती है ना पाँव की। अच्छा, सुभान अल्लाह जी। मौला अली मुश्किल कुशा के कदम मुबारक यहाँ तक है, ये देखिए ना। और किधर गए हमारे? ये इन्होंने दुआ दिया जी, मैं दो घरों की। अब वो अगर दो घर होंगे तो दो घरवालियां भी होंगी, इसका मतलब है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, मतलब दो घरवालियां हो सकती हैं। जैसे तो उनकी सोच होगी ना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला वैसा ही अमल देगा। वो तो चार की सोच है। इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह चार ही होगी। चार ही होंगी। चले जी, अल्लाह करे कि इनकी चार शादियाँ हों और इनको इबरत हासिल हो इसी दुनिया में। सैयदना जलालुद्दीन पोश बुखारी के मज़ार के साथ एक बहुत कदीम कब्रिस्तान है और इसकी सारी कब्रें कच्ची हैं। यूँ महसूस होता है कि कई सौ साल पुरानी कब्रें हैं और किसी पर कोई तख्ती नहीं लगी हुई, कोई कतबा नहीं लगा हुआ, किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। यानी इसका मतलब ये है कि ये कतबे लगाने का रिवाज बहुत बाद में आया। पहले कब्रें बना दी जाती थी। और वैसे भी जो है वो ये कच्ची कब्रें, इस्लाम में हुक्म है कि कब्र कच्ची बनाई जाए। ये जो हम पुख्ता कब्रें बनाते हैं संग मरमर लगा कर और तख्तियाँ लगा कर, ये ममनू है, इसका जवाब देना पड़ेगा आगे जाकर। तो बेहतर ये है कि कब्रें कच्ची हों। और ये उच का ये कब्रस्तान इसकी जिंदा मिसाल है। अब हम बात करते हैं उच की तारीख के हवाले से। उच बहावलपुर से तकरीबन कोई 80 किलोमीटर के फासले पर है। और मैं जो है वो कहते ये हैं कि यहाँ 125,000 वलियों का फैज़ है इस सरज़मीन पर। और जगह जगह औलिया कराम के मकाबिर हैं। इसका तारीख़ जो है वो बहुत तवील है इसकी। ये जनूबी पंजाब में 5 दरियाओं के संगम पर वाक़ है। मतलब इससे कोई 10 किलोमीटर के फासले पर हेड पंजनत है, जहाँ पांचों के पांचों दरिया मिलते हैं। और फिर वो आगे जाकर मिठनकोट के पास दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं। तो उच इस हवाले से भी बहुत अहम है अपनी तारीख के हवाले से। इसकी जहाँ तक कदामत की बात है, कहते हैं ये 500 कबल मसीह का ये शहर है। ये भी कहा जाता है कि कभी यहाँ एक किला था जिसमें अलेक्जेंडर ने भी क़याम किया था। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस शहर को बसाया ही अलेक्जेंडर ने था। 70 शहर उसने बसाए अपनी मतलब मुहिम के दौरान। जब वो मैसिडोनिया से चला और बाबुल तक पहुंचा, 11 साल 11 महीने उसने घोड़े की पुश्त पर गुजारे। बहुत सारे शहर फतह किए, बहुत से शहर उसने बर्बाद किए और 70 के लगभग शहर उसने बसाए, जो जिनमें से बेशतर का वजूद अब ख़त्म हो चुका। और एक तारीख़ी सरज़मीन भी ये है कि उसके नाम पर एक शहर आज दुनिया में मौजूद है। मिस्र का शहर है इस्कंदरिया, जिसे अंग्रेज़ी में अलेक्जेंड्रिया कहते हैं। लेकिन वो शहर है जहाँ अलेक्जेंडर को दफन किया गया।
मतलब उसका कोई शहर उसके नाम से मशहूर नहीं हुआ जो उसने आबाद किया, लेकिन वो शहर उसके नाम से ज़रूर मशहूर हुआ जहाँ वो दफन हुआ। ये अलग बात है कि अब उसके मकबरे का नामो निशान भी बाकी नहीं रह गया, समंदर बुर्द हो गया वो मकबरा, सफाई हस्ती से मिट चुका और अब तक जो है वो उसको उसे तलाश नहीं किया जा सकता। दो मकबरे जिनकी माहरीन अब तक कोशिश कर रहे हैं उन्हें तलाश करने की, उनमें से एक अलेक्जेंडर है और दूसरी मिस्र की मलिका क्लियोपेट्रा, उसका मकबरा भी समंदर बुर्द हो चुका और उसके मकबरे की भी तलाश जारी है। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे थे उच की, लेकिन किसी ज़माने में ये कहते हैं कि बड़ी अजीम शान सल्तनत का ये दारुल हुकूमत हुआ करता था, बहुत ख़ुद बहुत शानदार शहर था और ये भी कहा जाता है कि यहाँ से फूटने वाले इल्म इरफान के सौतों ने सारे बरे सगीर को सैराब किया। लेकिन आज इस शहर की बदकिस्मती है कि ये तहसील भी नहीं है, मतलब एक ज़माने में एक सल्तनत का दारुल हुकूमत रहने वाले शहर अब उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई। किसी ज़माने में 7 बड़ी आबादियों में तकसीम था, कहते हैं 36 मील इसकी लंबाई और 24 मील चौड़ाई हुआ करती थी इसकी, इसका जो हुदूद अरबा था। लेकिन उसके बाद फिर इसकी जवाल पज़ीरी का आगाज़ हो गया। ये उस वक्त हुआ जब 400 ईस्वी में, यानी हज़रत ईसा की पैदाइश के 400 साल के बाद वस्ती एशिया से आने वाली एक हुन कौम, जिसने पाकिस्तान के और मतलब बरेज़ी पाक को इनके बहुत से शहरों को वीरान किया, बर्बाद किया, हुन कौम ने इस उच को भी जो है वो बर्बाद किया और तबाह कर दिया। फिर उसके बाद ये कभी भी उस अपनी अजमत को नहीं छू सका जिस अजमत पर ये पहले था। कहते हैं कि उच जो है वो दूसरे शहरों की तरह कई बार उजड़ा, कई बार आबाद हुआ और अभी इसकी आबादी अच्छी खासी है, फैलाव बहुत अब है शहर का, लेकिन अब इसकी वो शान शौकत नहीं रह गई। अपनी क़दामत और क़दामत पसंदी या क़दामत परस्ती कह लें और तहजीब की वजह से जो इसकी खसूसियात है, ये कहा जाता है कि ये हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और हाकड़ा की तहजीब जो है वो उससे भी ज़्यादा कदीम शहर है, चोलस्तान के करीब है, लिहाजा हाकड़ा की तहजीब के इस पर असरात थे, लेकिन अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया। तंग गलियां अब भी इस शहर में हैं, तंग मोहल्ले हैं, लेकिन जो बात इसमें पहले थी उच शहर में वो नहीं रह गई। अच्छा, कहते हैं कि इसके कई नाम जो है वो रहे, जैसे मैंने बताया कि अलेक्जेंडर के से भी इसे मंसूब किया जाता है, कभी इसे स्पीडा के नाम से पुकारा गया, कभी इसे असाश कहते थे, कभी इसका नाम ओसा रहा, कभी देवगढ़, कभी स्कलांदा इसका नाम रहा, उसके नाम से भी मशहूर हुआ, फिर इसे स्कंदरिया भी कहा गया और हूद भी रहा और चच भी रहा। ये नामों को तवील सफ़र तय करने के बाद बिलाखिर ये शहर उच शरीफ बन गया। अच्छा, उच के साथ शरीफ का लाहिका इसके तकद्दस और एहतराम की वजह से लगाया जाता है। 550 कबल मसीह में आबाद होने वाला उच शहर अपनी क़दामत, इमारत और रूहानियत के बायस हमेशा से ही फातहीन और अजीम जो मतलब शख्सियात थी रूहानियत की, उनका ये मरकज़ रहा। पहले जो है वो इस्लाम आने से पहले ज्ञानी साधु वो इस शहर में आया करते थे, रहा करते थे, और जब ज्ञानी साधु चले गए तो उसके बाद जब इस्लाम आ गया तो फिर इस्लामी सूफिया कराम जिनमें से मैंने जो है वो अपने दादा की कब्र पर हाज़िरी दी, ये मुझे चादर 5 तोहफे में मिली और ये जो अपना येलो कलर का दुपट्टा है ये मुझे सैयदना जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी के मज़ार से ये पहनाया गया। तो ये वो तोहफे हैं जो मेरी ज़िंदगी का हासिल हैं। मैं पहली बार उच आया और मुझे जितनी इज़्ज़त उच वालों ने दी उसके लिए मैं बहरहाल उनका शुक्रगुजार हूँ। कहा जाता है कि उच शहर जो है वो दरिया हाकड़ा के किनारे तामीर किया गया था, वही हाकड़ा जो कभी चोलस्तान के दरमियान बहता था, हिंदुस्तान में उसका नाम घाघरा, फिर वो उजड़ गया और मतलब दरिया खुश्क हो गया और उसके किनारे जो तहजीब थी वो भी उजड़ गई। उच के साथ भी यही सलूक हुआ।
चोलस्तान में जो है वो पुराने किले जिनमें किला उच्च भी शामिल था, ये भी कभी चोलस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो मामला सारे ख़त्म हो चुके। इस्लाम आने के बाद इलाके में बहुत से किले और फसीलें दोबारा से तामीर हुईं। सुल्तान महमूद गज़नवी और मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हिंदू सल्तनत तबाही से दोचार हुई और उसके बाद उच्च को सही मानों में अरूज और तरक्की हासिल हुई, यानी एक बार फिर जो है वो उच्च जो है वो तरक्की की शाहरा पर गामजन हुआ। 370 हिजरी में सैयद सफ़ीउद्दीन गारजोनी की आमद से हुई इस्लाम की जो मतलब तरवीज है। वो पहले सूफी बुजुर्ग थे जो बरसगीर में वारिद हुए और उच्च में रिहाइश इख्तियार करके महज 17 साल की उम्र में उन्होंने बरसगीर की पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया फिरोजिया की बुनियाद रखी। और जो है वो ये वो यूनिवर्सिटी थी यानी जामिया फिरोजिया जिसने बरसगीर में उस वक्त इस्लामी तालीम के फ़रोग और तरवीज का बहुत अहम फरीजा अंजाम दिया। जब हिंदुस्तान की फिज़ा मुसलमानों के लिए पूरी तरह साजगार भी नहीं थी, ये उस दौर की बात है, यानी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ हिंदू मज़हब था, लेकिन उन्होंने अपनी इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए लोगों को इस्लाम की तरगीब दी और बहुत सारे लोग उनकी वजह से इस्लाम में शामिल हुए। सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा इसने 607 हिजरी से 625 हिजरी के दरमियान इस जामे को बड़ा अरूज रहा, मतलब उसके दौर में नासिरुद्दीन कबाचा के दौर में। मशहूर ईरानी मुबर्रिख काज़ी वक्त अल्लामा मिनहाज सराज जैसे जलील क़द्र उलमा जामे फिरोजिया के सदर मदरस से इस मदरसे में बयक वक्त 2500 तलबा जो है वो तालीम हासिल किया करते थे। सुल्तान नासिरुद्दीन कबाचा के दौर में उच्च को सल्तनत के दारुल हुकूमत का दर्जा मिला और इस अरसे के दौरान उच्च खुशहाली के रूज पर पहुँचा और मंगोलों ने भी इस पर हमला किया, लेकिन मंगोल इसे तबाह नहीं कर पाए और उच्च की अहमियत अपनी जगह रही। लेकिन वक्त जो है वो मज़ीद गुज़रा और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने उच्च पर हमला किया और मशहूर ज़माने यूनिवर्सिटी समेत कई मदरसों और कुतुब खानों को तबाह कर दिया। उसके बाद जब उसने हुक्मरानी संभाली तो उसने उच्च की जगह दिल्ली को अपना दारुल खिलाफा बनाया और वो ये वही दौर था जब उच्च के जो है वो जवाल का जो है वो बायस बना ये वाकया। कहते हैं कि जो उच्च का जो ये मौजूदा नाम है उसके हवाले से ये कहा जाता है कि जब इस इलाके पर एक राजा हुकूमत किया करता था, देव सिंह उसकी हुकूमत थी, तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश ने ये शहर उससे हासिल कर लिया था। उसकी एक बहुत खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम था ऊंचा रानी। ऊंचा रानी ने जो है इस्लाम कबूल किया और कहा जाता है कि फिर उसी के नाम पर इसका नाम उच्च रख दिया गया, उच्च शरीफ अब इसे कहा जाता है। ये जो है वो मतलब इसकी जो साबिका तारीख है ये वो तारीख है। कुछ मकबरे बहुत मशहूर हैं। कहते हैं कि 1817 में जो है वो सैलाब आया था, उस सैलाब ने इस शहर बेमिसाल के कदीम आसार को बुरी तरह मुतासिर किया और अपने साथ बहुत सी निशानियां बहा कर ले गया। चंद एक वाक़ियात आज भी मादूमी से पहले आखिरी हिचकी की सूरत मौजूद है। अब ये नहीं पता कि ये कब जो है वो मिट जाए। जो अधूरा मकबरा बीबी जूंदी का है जो हज़रत मखदूम जहानिया जहानगश्त की पोती और एक दरवेश खातून थी, ये मकबरा 15वीं सदी के आखिरी इशरे में खुरासान के हाकिम मोहम्मद दिलशाद ने बनवाया था। दूसरा मकबरा मखदूम जहानिया जहानगश्त के उस्ताद हज़रत बहाउल अलीम का और तीसरा मकबरा इन मकाबिर के मामार उस्ताद नूरिया का है, जिनकी खूबसूरत कारीगरी ने अहद गुमगुश्ता में इन मकबरों को शान शौकत बख्शी। ये तीनों नादर नायाब मकबरे आज अपने उखड़े टूटे फूटे दरो दीवार लिए किसी कदरदान के मुंतजर हैं। उच्च को जनूबी पंजाब के हवाले से ये कहा जाता है कि ये एक अलिफ लैलवी शहर है और जनूबी पंजाब की हज़ार दास्तान शहर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसे इतनी कहानियाँ मंसूब हैं कि वो कहानियाँ अगर सुनाने बैठे
तो ख़त्म ना हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1.25 लाख वलियों का फैज़ इस सरज़मीन से हासिल हुआ। बिल्कुल उसी तरह जैसे शहरज़ाद ने अपने शोहर को मसरूफ़ रखने के लिए या उसकी एक कभी आदत को छुड़ाने के लिए एक कहानियों का सिलसिला शुरू किया और फिर वो अलफ लैल भी दास्तान बनी, तो इसी तरह जो इससे उच्च से जो मंसूब कहानियाँ हैं उनकी तादाद बेतहाशा है। मतलब एक कहानी ख़त्म होती है तो दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, इसीलिए इस शहर को अलफ लैल भी शहर कहा जाता है और यही वजह है कि इसे जनूबी पंजाब का हज़ार दास्तान कही जाती है कि इसमें हज़ार दास्तानें पोशीदा हैं। हमने एक छोटा सा ब्लॉग इस पर किया है, हज़ार दास्तानें तो क्या शायद चंद एक दास्तानें आप तक पहुंचा पाए हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो एक बार फिर जो है वो उचाएंगे और आपको उन हज़ार दास्तानों की में से कुछ और दास्तानें सुनाएंगे। ये अलिफ लैला कभी ख़त्म नहीं होती, जब तक ये दुनिया बाकी है अलिफ लैला भी ज़िंदा रहेगी, कहानियाँ भी ज़िंदा रहेंगी, ये शहर भी आबाद रहेंगे। इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो इन दास्तानों को, इन तारीखी कहानियों को, हाँ एक चलते चलते एक बात बताऊँ कि जो है वो मैं एक मकबरा देखने के लिए गया तो एक साहब ने मुझे बताया कि ये सामने एक मस्जिद बन रही है और इस मस्जिद का एक शहतीर या एक सतून जो है वो लकड़ी का है और वो अर्श से आया है। तो मैंने उन साहब को ये जवाब दिया कि भाई मैं तारीख बताने आया हूँ, मैं इस तरह की बेसरोपा बातें बताने नहीं आया। तो इसीलिए इस शहर को हज़ार दास्तान और अलफ लैलवी शहर कहा जाता है कि यहाँ तारीख तो है लेकिन कहानियाँ बहुत हैं और कहानियाँ हम जैसे लोग लिखते हैं और उनमें अपनी मर्ज़ी के किरदार डालते हैं और फिर वो कहानियाँ ज़बान ज़दे आम हो जाती हैं, उसी सतून की तरह जो बकौल उन साहब के अर्श से इस उस मस्जिद के लिए आया था। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।